हरियाणा के हिसार में वीकेंड लॉकडाउन काफी हद तक कामयाब रहा। हिसार में वीकेंड लॉकडाउन से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार। कोरोना संक्रमण के बेतहाशा बढ़ते मामले रोकने को लेकर भले ही वीकेंड लॉकडाउन राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ हो, लेकिन हरियाणा की मनोज सरकार की तरफ से भी कोरोना के बेतहाशा बढ़ते मामले रोकने को लेकर प्रदेश के 9 जिलों में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। वीकेंड लॉकडाउन मनोज सरकार की तरफ से लगाया गया। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार में, और हिसार के तमाम वो इलाके जो पहले से कोरोना संक्रमण को लेकर सबसे ज्यादा बेहाल नजर आ रहे थे, उन्हें कंटेनमेंट जोन के रूप में तब्दील जिला प्रशासन की तरफ से पहले ही कर दिया गया था। हिसार के अर्बन एस्टेट का इलाका, इसके अलावा मॉडल टाउन और सूर्यनगर के इलाके को कंटेनमेंट जोन में पहले ही स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से तब्दील कर दिया गया था। अब हरियाणा के हिसार में वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया गया। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वीकेंड लॉकडाउन में बाजार पूरी तरीके से बंद यहाँ पर नजर आए। बड़ी तादाद में जो लोग अक्सर लॉकडाउन के दौरान देखने को मिलते थे, इस बार वो तस्वीरें बदलती हुई नजर आई, क्योंकि लोग अब खुद कोरोना के कहर से बेहाल नजर आ रहे हैं। इस बार खौफजदा कोरोना का कहर लोगों को कर रहा है, जिसकी वजह से अब लोग घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। बाजार पूरी तरीके से वीकेंड लॉकडाउन के दौरान बंद रहे, क्या कुछ हालात हिसार में इस वक्त बने हुए हैं, उसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त हिसार के मेयर गौतम सरदाना मौजूद हैं। मुझे ये बताइए कि लॉकडाउन को अगर मैं समझने की कोशिश करूं, किस तरीके से आज का लॉकडाउन आप देख रहे हैं, वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान सरकार की तरफ से हिसार में किया गया? देखिए, इस समय पूरा विश्व कोरोना महामारी से जो समस्या पैदा हुई है उसको झेल रहा, और पूरे हरियाणा में काफ़ी कोरोना जो फैल रहा है और हिसार में भी, तो लॉकडाउन जो हरियाणा में लगभग 10 जिलों में लगाया गया है, जो हिसार में आप देख रहे हैं पूरी तरह से कामयाब है, और लोग जो हैं लगभग घरों में बैठे हैं, और जो ज़रूरी है वही लोग निकल रहे हैं। और इस महामारी से निपटने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हिसार में ओपी जिंदल स्कूल में जो 500 बेड का ऑक्सीजन बेड का इंतजाम करवाने की घोषणा की थी, उस पर तेज़ी से काम चल रहा है। मैं अभी वहाँ देख कर आ रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि एक सप्ताह के अंदर अंदर वो भी शुरू हो जाएगा, और उसके बाद जो है ऑक्सीजन बेड की कमी हमारे पास नहीं रहेगी। और ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि ये बीमारी जो है और ना फैले। और लॉकडाउन के दौरान बाजार पूरी तरह बंद है हिसार में? पूरी तरह से आप देखेंगे सभी मुख्य बाजार जो हैं, सभी के सभी गलियों तक की दुकानें भी बंद हैं, और सभी जो हैं इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं सोशल डिस्टेंस बनाकर, और घरों में रहकर इस लड़ाई को जो जीत सकते हैं हम, उसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। एक बार फिर मुश्किल वक्त सामने आ चुका है, तो ऐसे में गरीबों को, मजबूरों को खाने की व्यवस्था भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। क्या कुछ व्यवस्थाएं इस बार सामाजिक संगठनों की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से की गई हैं? अभी तक तो हमारे जो कोरोना पेशेंट हैं उनके घरों में व्यवस्था की जा रही थी कि जो लोग खाना नहीं बना सकते और जिनके मजबूरी है, आर्थिक मजबूरी है या परिवार की मजबूरी है, तो उनको एक संस्था ने खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि ऐसी कोई समस्या आगे और आती है, तो पहले भी यहाँ शहर की 48 संस्थाओं ने बहुत सहयोग करके किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया था। हमारे हिसार में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दी जाएगी। सारी की सारी संस्थाएं मेरे संपर्क में भी हैं और वो तैयार भी हैं। अस्पतालों के बेड्स को लेकर संकट लगातार बना हुआ हिसार में? देखिए, आपको पहले ही बताया ये कोरोना महामारी में पूरा संकट आ चुका है, और हिसार जो है मेडिकल हब है, यहाँ पर दिल्ली, राजस्थान, पंजाब सभी से इलाज कराने पहुँच चुके हैं, तो अस्पताल और राज्यों से भी आने से फुल हो गए हैं। और इस महामारी के समय में किसी के इलाज के लिए रोका नहीं जा सकता, संख्या को हम जरूर बढ़ा सकते हैं। तो सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 500 ऑक्सीजन बेड के टेम्परेरी जो हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, तो वो बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, और यहाँ पर जो है काफी उससे रिलीफ मिलेगा। क्षमता बढ़ाने की बात हिसार के मेयर की तरफ से कही जा रही है। हिसार में 500 बेड का एक ऑक्सीजन बेडेड अस्पताल तैयार करने की सरकार की योजना है, जिस पर तेजी से काम किया जा रहा है। लॉकडाउन को लेकर कहा जा सकता है कि वीकेंड लॉकडाउन हिसार में काफी हद तक कामयाब रहा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।